जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय इन दिनों गुरुकुल से ज्यादा शायद अखाड़े का गुरुकुल बन गया है, जहां आए दिन छात्रों में मारपीट के मामले सामने आते हैं। ऐसा ही मामला आज उस वक्त सामने आया जब फर्स्ट ईयर के बच्चे जिन्होंने अपने कैंपस में गणपति रखे हुए थे, वह गर्ल्स एवं भाई दोनों ही नाचते गाते गणपति विसर्जन के लिए आधाताल तालाब आ रहे थे। तालाब आने से पहले ही उन्हीं के कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट उनके गणपति में सम्मिलित होकर नाच गाने लगे और जूनियर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने लगे, जिससे आक्रोशित होकर जूनियर स्टूडेंट ने इसका विरोध किया तो उनके साथ लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी गई, जिससे जूनियर स्टूडेंट घायल हो गए और फिर उन्होंने वहीं से पैदल मार्च निकालते हुए आधारताल थाने जाकर प्रदर्शन किया एवं उचित कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन थाना प्रभारी द्वारा उनसे आवेदन लेकर जांच करके मामला दर्ज करने की बात कही गई, उन्हें संतुष्ट किया जिससे पूरा मामला शांत हुआ। सोचने वाली बात यह है कि आए दिन इस तरीके की विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, क्या कॉलेज प्रशासन के मुखिया डीन को इसकी जानकारी नहीं होती? अगर होती है तो फिर वह कार्रवाई करने में क्यों हिचक रहे हैं? जिसके संबंध में अभी ये डे स्कॉलर्स वाले स्टूडेंट आए थे, उनकी कुछ मांगें थी विवाद को लेके, उन्होंने आवेदन दिया जिसको जांच में लिया था। कृषि विश्वविद्यालय के छात्र हैं, शांतिपुर गणेश विसर्जन हम का करने निकले थे। जब गणेश जी की प्रतिमा हॉस्टल के गेट के सामने आई तो हॉस्टल के कई सारे छात्र आकर लड़कियों के बीच डीजे में नाचने के बहाने से उनसे अभद्रता करी, उनको गलत टच हुआ और गाली का गलौज कमेंट पास कर रहे थे। जब छात्राओं ने इसका विरोध किया तो उनने लाठी डंडे चलाए और पथराव कर दिया छात्राओं के ऊपर। ये घटना आपने बताई कि पहले भी की गई, कितने बार ये घटना हुई है? ये सर कई बार क्या बोलते हैं, हॉस्टल के छात्र छात्राओं के साथ बदतमीजी का करते हैं। हम इसकी 2 से 3 बार शिकायत कर चुके हैं पर फिर भी इस पर क्या बोलते हैं एक्शन नहीं होता है। किस किस से शिकायत की है आपने?